ये हमारे गांव का घर है, देखिए कैसे हमने इसका वायरिंग किया है, सब लटका के वायर किया है, लटकन झटकन है पूरा, वायरिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो भी वायर है हमने लटका के लिया है, क्लिप मार के लिया है या तो बम्बू में फंसा के लिया है। ये देखिए यहाँ होल्डर है, एक पीछे होल्डर है, तो आगे पीछे जहाँ भी होल्डर है वायर है सब हमने ऐसे लटका के लिया है। तो ऐसे वीडियो को आप देखने के लिए लास्ट तक बने रहे। चलिए हम करते हैं पूरा वीडियो को स्टार्ट। ये हमारे गांव का घर है और ये देखिए हमने सबसे पहले तो बाहर एक लाइट लगाया, दरवाजे के ऊपर सरफेस लाइट है हमारा, और वहां से हमने क्लिप मार के वायर को एक होल्डर यहाँ पैसेज में लगाया है। ये हमारा पैसेज, हमारे पास मीटर है, मीटर के बाद एक डीपी और एक ट्रिपर कटआउट है, कटआउट के यहाँ पे हमने एक ट्रिपर यहाँ लगाया, एक डीपी भी लगाया ताकि सब जगह सुविधा मिले, ताकि कभी भी गाँव का वायर है लटका हुआ वायर है तो शॉक लगे तो ट्रिप हो जाए, इसके लिए हमने ट्रिपर भी लगा दिए। सब वायर को हमने क्लिप मार के ही लिया है या तो लटका के लिए। और यहाँ से हमने ये एक्चुअली हुआ क्या है, जब हम लॉकडाउन में आए थे तो कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो उस हिसाब से हमने वायर तो लेके आया था बाहर से ही, पॉलीकैप का वायर है और क्लिप है और इस मॉड्यूलर बोर्ड वगैरह हमने लेके आया था, सब ऐसे ही था। सीलिंग में हमारा फैन एक ही पॉइंट डाला हुआ था, तो हमने एंकर फास्टनर मार के दो फैन का पॉइंट किया। ये हमारे घर का है, जो हमारा जो घर है गाँव का वहाँ का पूरा है, तो हमने बोला एक वीडियो बना के देते हैं इस पर भी कैसे हमने किया अपने घर का वायर। तो एक फैन का है, एक फ़ैन हमने रेगुलेटर से रखा है, एक फ़ैन हमने डायरेक्ट रखा है, रेगुलेटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है कि जगह बोर्ड में कम था, दो फ़ैन हमने सीलिंग में डाला है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है गांव में, तो इस हिसाब से हमने दो फ़ैन लगाया है। और ये हमारा पैसेज है, पैसेज में भी हमने जो पैसेज से दूसरे रूम में वायर जाएगा हमने बम्बू में बांध के लिया है अच्छे तरीके से, और जहाँ जहाँ क्लिप मारने की ज़रूरत है वहाँ क्लिप मारा, नहीं तो ऐसे लटका के लिए। टेम्पोररी वायरिंग हुआ है, कम्प्लीट नहीं है वायर। और यहाँ से हमने यहाँ भी एक होल्डर लिया, हमने डायरेक्ट बम्बू में ही होल्डर फिट कर दिया है, एक एक खिल्ला मार के स्क्रू टाइट करके। फिर ये हमारा किचन में आ जाइए, किचन का हमारा बोर्ड हो गया 12 मॉडलर का भी बोर्ड है, यहाँ पे हमने दो से दो सॉकेट लगाया है, और यहाँ से ही हमने एक फैन और एक बल्ब है हमारा किचन में, देख सकते हैं हमने फैन को भी बम्बू में बांध के तार से लटकाया है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा किचन है। फिर आज ही हम यहाँ से पैसेज में से हमको बैक साइड लेके चलते हैं, हम आपको हमारा जो पीछे का आंगन है वहाँ पे भी हमने वायर लिया, वैसे ही क्लिप मार के लिया है, क्या क्या है वो भी दिखाते हैं हम आपको। एक बोर्ड है जो बाहर का आंगन का कंट्रोल यहाँ पे बोर्ड में है, ये हमारा बोर्ड 8 मॉडलर का है, तो यहीं से हमने पूरा कंट्रोल लिया, एक प्लग दिया यहाँ पे क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती थी, टेबल फैन हमने लगा के रखा है यहाँ पे, और यहाँ से हमने पीछे का वायर लिया है। और हमारा पूरे घर में इन्वर्टर का वायरिंग हुआ है अच्छे तरीके से, हमने करके लिया इन्वर्टर का वायरिंग। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, और चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए हमने यहाँ पर मोटर के लिए कनेक्शन लिया, टॉयलेट बाथरूम का वायर, ये हमारा वायर है टॉयलेट बाथरूम और मोटर का, यहाँ पर हमने दो स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड लगाया है, ये हमारा बोर्ड हो गया, देख सकते हैं आप। वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।